हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉप क्लासेस, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग वेयर वी हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट साल्ट को, विच इज़ सोडियम कार्बोनेट। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सोडियम कार्बोनेट बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपका, ठीक है, और ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी वेरियस फॉर्म्स को। अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में, मीन्स इसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इट इज़ नोन एज सोडा ऐश। मोनोहाइड्रेट यानी क्रिस्टल कार्बोनेट जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, Na2CO3.H2O। एंड डेकाहाइड्रेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, Na2CO3.NH2O। यही हमारा आज का टॉपिक है, वॉशिंग सोडा। ओके, जो कॉमन नेम है हमारा सोडियम कार्बोनेट का वो है क्रिस्टलिन डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मीन्स डेका का मतलब होता है 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना और हाइड्रेट मीन्स H2O, ठीक है। तो वाटर के जिसमें 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो हमारा होगा क्रिस्टलिन डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इट इज़ कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा। ओके, जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला है ये Na2CO3.10H2O। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है बच्चों, हाउ इज़ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड, कैसे हम इसको बना सकते हैं? तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है उसका नेम क्या है, सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एज यू कैन सी दैट इन द इक्वेशन, 2NaHCO3 को जब हम हीटअप कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। यही रिएक्शन आपने पढ़ी थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, बट वो अपोजिट थी। जो आपके इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स है वो उसमें प्रोडक्ट्स थे, और जो उसमें प्रोडक्ट्स थे वो इसमें रिएक्टेंट्स है, ठीक है। दोनों की इक्वेशन सेम है। रिक्रिस्टलाइजेशन कैसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे इसमें ऐड किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हैं आपका Na2CO3 बना है, बट आपको बनाना है क्या, वॉशिंग सोडा, जिसमें कि आपको 10 मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं वाटर के, मींस डेकाहाइड्रेट बनाना होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है उसका, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है उसमें आप वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, देन इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट टू सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विच इज़ नोन एज वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है जो कि वाटर में इजीली सोल्यूबल है, और इसका वाटर का सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एल्कलीन सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बेसिस आपके वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, और हाइड्रोस्कोपिक है इन नेचर में, मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। और जब हम इसे एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जब वाटर में खुला छोड़ दिया हमने इसे एयर में, तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। ये या तो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में, या कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। ये जो हमारी रिएक्शन है, वाटर लूजमेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस। जब हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एनहाइड्रस Na2CO3 मीन्स सोडा ऐश। ये सभी फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे कि डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं Na2CO3 की। ओके, चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। ये वाटर को सॉफ्टनिंग यानी कि वाटर की क्लीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रीज वगैरह में, ठीक है। कपड़े धोने का सोडा है ना, वॉशिंग सोडा, इसलिए, ठीक है। और ये ग्लास, सोप, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, इन सभी कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। कास्टिक सोडा जो हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, NaOH, ठीक है। इसका यूज़ होता है पेपर, पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वॉशिंग करने के लिए, और लेबोरेटरी में एज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। वाटर सॉफ्टनर, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा।
तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि वॉशिंग सोडा को कैसे बना सकते हैं, Na2CO3.10H2O को, सोडियम कार्बोनेट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है और ये एक दूसरे में किस टाइप से कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा और यूजेस को। तो आई होप आपको कंपाउंड अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।